क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है। तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बताया था, रिलेशनशिप दिया था वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। बताओ, उन्होंने ड्यूअलिटी बताई थी कि ये वेव जो है किसी भी मैटर के साथ वेव भी कनेक्टेड होती है, और उसके लिए एक रिलेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा वेवलेंथ जो है ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, और मोमेंटम जो होता है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दे दिया, वेव को कनेक्ट कर दिया किससे, पार्टिकल से, और जो कि लैम्डा इज इक्वल टू, और उसका रिलेशनशिप क्या दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और पी क्या है, पी हम जानते हैं पी इज इक्वल टू होता है एम बी। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ से वी कैलकुलेट करके हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करके वी स्क्वायर टू अंडर रूट टू के ई अपॉन एम आएगा, ठीक है। इसको जहाँ हमने क्या किया, वी के जगह पर रख दिया है, तो क्या हो गया, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, एम को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, ठीक है। एम से एम कट गया, फाइनली हमारा फार्मूला आ गया एच, फाइनली फार्मूला आ गया एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सीलरेट कर रहा है, जब कोई पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सीलरेट करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है क्यू इंटू वी। क्यू क्या है, चार्ज, और वी पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम समझ सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी पार्टिकल का एक चार्ज है, सपोज दूसरे पार्टिकल पर दो चार्ज है, या फिर किसी तीसरे पार्टिकल पर तीन चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, इसे कॉमन सेंस से समझा जा सकता है, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो फास्टर मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है क्यू के। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर दें, मतलब पॉजिटिव को इंक्रीज कर दें और निगेटिव को और निगेटिव कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल और फास्टर मूव करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सीलरेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी होती है। इसको हम यहाँ पर क्यू इंटू इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो फाइनल फार्मूला हम क्या आ गया, टू एम क्यू इंटू वी, जिसको हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया हमारे कि रेशियो निकालना डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो फाइनली हमारा फार्मूला आ गया एच अपॉन रूट टू एम के वी, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। किस किस का रेशियो निकालना है, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, और प्रोटॉन का, प्रोटॉन की वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का। वो मैंने बताया फार्मूला किस तरह से आया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट एम क्यू वी। तो इसके रेशियो के लिए प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ से क्या आएगा, एच अपॉन, इसे प्रोटॉन का मास, और चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन एच अपॉन, ठीक है। हीलियम पार्टिकल का मास, हीलियम पार्टिकल का मास जैसे कि हम जानते हैं वो कितना होगा, प्रोटॉन का 4 times होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, उसके मास के लिए 4 mp। और प्रोटॉन हीलियम पार्टिकल पर जो चार्ज है और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में वो एक्सेलरेट हो रहा है, इसको रीअरेंज करेंगे, ये टर्म क्या होगी, ऊपर चले जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी 4 mp, 4 times है ये, और हीलियम पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पर कह लिया 2, है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, है ना, ट्वाइस चार्ज है, 2+ है, तो 2 ही, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। सेम वे में प्रोटॉन का मास है mp, और चार्ज जैसे कि हम जानते हैं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, केवल H+ चार्ज होता है, तो वहाँ पर लिख दिया ई और vp। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, एमपी से एमपी कट गया, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ गया 8 vα, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 vα अपॉन vp। और जो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, अल्फा पार्टिकल 64 volts में एक्सेलरेट कर रहा है और ये 128 volts में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इनको काट करके क्या आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एफ इज इक्वल टू 2।